गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोहिमा। आज हम लोगों का चौथा दिन है और हम लोग अभी निकले हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद हम लोग आज का जो डेस्टिनेशन है नागा हेरिटेज विलेज में जाएंगे और यहाँ का जो मतलब लोकल जो देखने लायक कुछ होगा तो वो हम लोग विजिट करेंगे। फेस दिखा, अपना फेस दिखा दिखा फेस दिखा, ये जो फेस देख रहे हो ना, लोग रेस्टोरेंट पे जाके उल्टा टिप दे कर आते हैं एक्स्ट्रा, और ये चुतिया उल्टा कम करने को बोलता है। नागालैंड आके उसका हेयर कट किया है, देख लो भाई, दिखा ये नागालैंड का हेयर कट किया है, दिखा दे भाई अपना चेहरा, पीछे पूरा सेम टू सेम और आगे उसको मुंडा दिया, इतना 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 काटने का कितना लिया? 80 रुपीज। अभी हम लोग यहाँ से किसामा विलेज जा रहे हैं और हमारे साथ हम लोग एक टैक्सी में चार लोग करके जा रहे हैं और टैक्सी का जो किसामा ड्रॉप करेगा किसामा विलेज में तो एक टैक्सी का 400 रुपये। नागा हेरिटेज विलेज पे आ चुके हैं और ये विलेज सिर्फ दिसंबर को खुला रहता है, अभी बंद है। नवनीता दी हमारा देख के हंसता से लगे ब्लॉग बनाते वर्ता सी ना जादू सब नवनीता दी। और इस विलेज में अभी सिर्फ हम लोग ही है क्योंकि ये विलेज अभी तो बंद है, सिर्फ हॉर्नबिल फेस्टिवल में ही ये विलेज खुलता है। दिसंबर 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक ये जो है विलेज है खुला रहता है। जो विलेज है या विलेज का मैप पूरा मैप देख सकते हो यहाँ पे है। तो ये है हमारा ट्रेवल पार्टनर जिसके साथ हमें ये पूरा फेस्टिवल ये हमें घुमाने वाले हैं। ले तुम्हारा नाम ले शुभिनयनी, तुम्हारा नाम शुभिनयनी, गजब बेइज्जती है। तो अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं मेन गेट से और यहाँ पे खूब ही सुंदर सा एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ के ऊपर हॉर्नबिल जो बर्ड है जिसके आधार पे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो ये बना हुआ है आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे देख सकते हो एक पेड़ बना हुआ है, इसमें बहुत सारे हॉर्नबिल पक्षी है। शायद इसी ग्राउंड पे आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, ये पूरा जो ग्राउंड देख पा रहे हो और ये जो ऊपर देख पा रहे हो नागा हेरिटेज विलेज ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है आपको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर एक सा एक घर, एक लड़की खड़ी है, लड़की नहीं बोल सकते क्योंकि आप भाभी हो। अगर आप चाहते हो कि नागालैंड आना तो आपका बेस्ट जो सीज़न होगा वो होगा दिसंबर महीना, क्योंकि दिसंबर महीना में ही यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है और यहाँ का सबसे जो फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको दिसंबर 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपको आना पड़ेगा और यहाँ का जो लोकल कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। इस जगह पे आके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आपका नागालैंड आके नागालैंड का जो पॉइंट ऑफ व्यू था आपके मन में अभी कैसा है? एक्चुअली नागालैंड के बारे में बहुत ही ज़्यादा मिथ है, स्पेशली जो टूरिस्ट लोग यहाँ पर ज़्यादा आना नहीं चाहते क्योंकि कुछ इवेंट या फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुई है और इसीलिए बहुत सारे लोग, मतलब मुझे शायद पता नहीं लेकिन मेरे को ऐसा बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स नागालैंड के बारे में थे, लेकिन जब यहाँ पर आया हूँ और लोकल लोगों के साथ बातचीत करके ऐसा कुछ मेरे को फील नहीं हुआ है। और जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल विलेज पे अभी मैं आया हूँ और उन लोगों का जो कल्चर है जो मुझे देखने को मिल रहा है बहुत ही मज़ा आ रहा है और ये जगह तो एक्सेलेंट है। यहाँ पर चारों तरफ मतलब इतना शांति और जो बर्ड्स यहाँ पर मतलब साउंड कर रहे हैं, नेचर का जो साउंड है, मतलब ओवरऑल पूरा माइंड फ्रेश हो चुका। कुत्ता कुत्ता
লগের একজন দাদা যে খুবই মেচুর বলে মনে করেন, কিন্তু তানি তাইনে অনেক মাঝে মধ্যে ফাজলামি করেন। তো শুভম দা, তোমার এই জায়গাটা নিয়ে, এই যে হর্নবিল যে নাগা ট্রাইব ভিলেজ, এটা নিয়ে তোমার কি পয়েন্ট অফ ভিউ একটু যদি আমার ভিউয়ারদের বলতেন। আমরা এখানে এসেছি, জায়গাটা খুব ভালো, আমার ভীষণ শখ ছিল এখানে বিভিন্ন ট্রাইবরা যেভাবে পোজ দিয়ে দাঁড়ায় সেভাবে ছবি তোলার জন্য, কিন্তু আমি একটা লেংথে অভাবে আমি তুলতে পারিনি, ব্যাপারটা সেটাই। যদি আমি রিকোয়েস্ট যদি আমার আশেপাশে কেউ কাছ থেকে একটা গামছা পেতাম, তাহলে আমি একটা একটা এখান থেকে পেঁচ দিয়ে সবকিছু লুম করে এইভাবে করে একটা পোজ, কিন্তু পারিনি আমি। মেরা যে ব্লগ হ্যাঁ হোস্ট করনে ওয়ালে শুভম রয়। আমরা এখন এসেছি, এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা হাতি, হাতির দাঁত আছে, ওকে এখানে হর্নবিল দেখতে পাচ্ছি, হর্নি হর্নবিল ব্যবহার করতো সবকিছু ডিটেলস সেখানে আছে, কিন্তু আমি এটা এরকম আমি আগেও দেখলাম একটা জায়গায়, কিন্তু বলতে পারছি না এক্স্যাক্টলি কি, কিন্তু ভালো লাগছে আমার। শুয়োরা বাঘের মিলন, হ্যাঁ শুয়োরা বাঘের মিলন, আর এখানে মাংকি কেন যদি ছেঁড়া দিয়ে বসে আছে। তাদের পোশাক আবাস যা আছে, প্রত্যেকটা ঘর এরকম পার্টিকুলার ট্রাইব কে রিপ্রেজেন্ট করে, যেমন আমরা এখন আছি ফোম ট্রাইব, আর ওইখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে চাং ট্রাইব। দেখতে গেলে তো কষ্ট লাগে, সুলাম উড়কা অনেক সুন্দর আছি, তোর থেকেও সুন্দর আছি আমি। নাগা হেরিটেজ ভিলেজ ঘুমনা খতম হো চুকা হ্যায়, আবি হাম লোগ জাকে লাঞ্চ করেঙ্গে, উসকে বাদ ইয়াহ কা জো ওর এক জগা হ্যায়, আবি নাম মুঝে ইয়াদ নেই আ রহা, উস জগা পে জাকে আপ লোগো কো বতানে ওয়ালে। ইয়াহ ভি পেদা হুয়া, ইয়াহ ভি শাদি হো গিয়া, ইয়াহ ভি বাচ্চা হো গিয়া। আজ কা লাঞ্চ মে হামারা ইয়ে বেজ থালি হ্যায় 100 रुपए करके। मिडलैंड कैफे में हम लोगों ने हमारा लंच किया है, जो नियर कौन सा जगह है, टीसीपी गेट के सामने हमारे दादा से मिलिए। आप अगर नागालैंड पे आते हो तो दादा के साथ आप लोग कॉन्टेक्ट करके, बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। तो अगर आपको दीमापुर से कोहिमा या फिर कोहिमा से दीमापुर बस में ट्रेवल करना है, तो आपको सुबह 7 बजे बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद आपको कोई बस नहीं मिलेगा। तो आपको अगर बस से ट्रेवल करना है तो 7 बजे से पहले आप बस स्टेशन पे चले जाओ। अभी हम लोग कोहिमा वार सेमेट्री पे है, यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों का याद में यहाँ पे एक मेमोरी जैसा कुछ बनाया गया है। वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए थे उनके मोन्यूमेंट है यहाँ पे, कौन से साल में कौन से तारीख में कौन कौन लोग शहीद हुए थे पूरा देख सकते हो आप लोग यहाँ पे है। तो 4 बज गए, 4 बजे में ये बंद हो जाता है, इसी वजह से हमको अभी जाना पड़ रहा है। पूरा तो घूम नहीं पाए, जितना घूम पाए आप तो देख ही चुके होंगे। तो इसी ब्लॉग को आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग पर।